हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम मौली की। मौली कोई भी छोटी सी फंक्शन हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, किसी मंदिर में हम जाते हैं, सबसे पहले मौली यानी कलावा हमारे हाथों में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र भी कहते हैं कई लोग इसको, और रक्षा सूत्र या मौली बांधना हमारी वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। चाहे यज्ञ हो या कहीं पे भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले इसे संकल्प सूत्र की तरह बांधा जाता है, रक्षा सूत्र की तरह हमारे हाथों में बांधा जाता है। दोस्तों, इसका बहुत ही पौराणिक संबंध है और ऐसा माना जाता है कि असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना गया है और देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। मौली का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर भी होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणि बंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी हम कहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे मौली कैसी होती है। कच्चे धागे से बनाई जाती है। मूलतः तीन रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये पांच धागों से भी बनाई जाती है, जिसमें ब्लू और वाइट भी होता है। तीन और पांच का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव के नाम की। हाथों पे, कलाई में, गले में, कमर में, सब जगह बांधी जाती है मौली, और मन्नत के लिए किसी भी देवी देवता के स्थान पर बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसको खोल देते हैं और मौली घर में लाई गई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधते हैं। दोस्तों, पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में मौली बंधवानी चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधा रहे हो उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए, दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इसे इस सूत्र को केवल तीन बार ही लपेटना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणि बंध, जो भी हम कहते हैं, हाथ की मूल में तीन रेखाएं होती हैं। आप देखिए अपने हाथ में तीन रेखाएं होती है जिनको हम मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध होता है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये तीन धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा हो जाती है। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, कोई मांगलिक कार्य हो, देवी की आराधना हो, देवताओं की आराधना हो, सभी शुभ कार्यों में हाथ पर कलाई पर लाल धागा यानी मौली बांधने की परंपरा है। तो आखिर क्या आपने सोचा है, कभी हम मौली क्यों बांधते हैं, इसकी वजह क्या है? इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व आज मैं आपको बता रही हूँ। धार्मिक महत्व तो हमने बात की। अब दोस्तों, मैं आज आपको बता दूँ कि मौली का चिकित्सीय पक्ष भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कलाई, पैर, कमर, गले में मौली बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों के लिए बचाव के लिए भी मौली को बांधना बहुत ही श्रेयस्कर माना गया है। रक्षा के लिए सर्व सुलभ, हर जगह मिल जाती है आराम से, कच्चे सूत का बना ये लाल पीला धागा जिसको हम कलावा कहते हैं। लाल रंग ताकत या शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। हम मौली बांधकर रक्षा करने की वचनबद्धता तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हमने शक्तिवान, सामर्थ्यवान और ज्ञानवान होने की शुभकामनाएं व आशीर्वाद भी देते हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि कलावा बांधने से हमारा रक्त संचार कंट्रोल में रहता है, इसलिए हमें अपने शरीर पर कलावा जरूर बांधना चाहिए। मैंने तो कभी कभी ऐसे भी लोगों को कहते सुना है कि पंडित जी लोग इतना मीठा खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं, फिर भी उनको शुगर नहीं होता है, क्योंकि इसका मेन कारण होता है कि वो ढेर सारी मूली अपने हाथों में बांध के रखते हैं। हो सकता है दोस्तों, वैसे खासकर ये असुरक्षा की भावना के लिए भी होता है, रक्षा सूत्र इसको हम कहते हैं। असुरक्षा का भाव मनुष्यों में ही नहीं देवताओं में भी देखा गया है। इसी भाव के चलते रक्षाबंधन जैसे त्योहार की शुरुआत हुई और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। किसी को भी रक्षा सूत्र बांधते समय ये श्लोक बोलते आपने जरूर सुना होगा कोई ना कोई पंडित जी को, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली ते न त्वांग मनु भद्रामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ क्या होता है शायद हम कभी जान नहीं पाए, फिर से मैं बता दूं इसके अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है जिस प्रकार राजा बलि वचन में बंधे थे, उसी प्रकार अब आप भी मेरी रक्षा के लिए वचनबद्ध रहें। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर से कलावा बंधवाने पर सभी प्रकार के संकट के कष्ट, आपके संकट और कष्टों का नाश होता है। तो जब भी आपको लगने लगे कि आपके जीवन पर ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आपने अपने हाथों में कलावा नहीं बांधा हुआ है, तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लेकर थोड़े से कलावे में लगवा लें, और या फिर उतना भी पॉसिबल नहीं है तो जाके हनुमान जी के मंदिर में एक कलावा ज़रूर बंधवा लें। हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त मौली अगर आप घर पर मुख्य द्वार पर बांधेंगे तो बुरी शक्तियां कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। बिजनेस में अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो शाम के समय जब प्रदोष काल हो, उस शुभ समय चल रहा हो, उस समय घर की जो उत्तर पश्चिम दिशा है वहाँ पर उस दिशा में दीपक जलाना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करे। ध्यान रखें दिए में बत्ती, रुई की बत्ती की जगह आपको मौली का प्रयोग करना चाहिए। हर रोज शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, बत्ती में रुई की जगह मौली का प्रयोग करें, हो सके तो दिए में केसर भी डालें, और आप देखेंगे कैसे आपके बिजनेस में धड़ाधड़ तरक्की होने लगती है। दोस्तों, अपने प्यार को पाने के लिए, अगर आपको प्यार में प्यार आपसे दूर है आपका, उसको पाने के लिए लाल गुलाब का फूल लाल कपड़े में लपेट कर मौली बांध कर भगवती माँ के मंदिर में चढ़ा कर आएँ, देखिए कैसा करामात होता है, आपका प्यार आपके पास होगा। दोस्तों, घर में उत्तर पूर्व के कोने में कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। हर वीडियो में आजकल मैं बता रही हूँ कि घर में क्लेश के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, अशांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, सबके लिए आपको घर में ईशान कोण में आपको एक कलश ज़रूर स्थापित करना चाहिए। गंगा जल का कलश हो तो और भी खूबसूरत हो जाता है, और नीचे दो कलश अगर हो सके, दो घर जिसको बोलते हैं, वो आप रख सकें तो और भी लकी माना जा सकता है। नीचे के एक बड़े कलश में गंगा जल भर दें और उसके ऊपर चावलों से भरा हुआ लोटा रख करके और उसके ऊपर कलावा बांध दें, और नारियल, एक नारियल रख दें, उसके ऊपर भी कलावा बांध दें। इससे माना जाता है घर में सुख शांति का आगमन होता है, सुख शांति बनी रहती है, और घर में जो भी असुविधाएं होती है, घर में जो जिस प्रकार की भी मुश्किलें होती है, दुर्भाग्य होता है, वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाता है। दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में कई बार ऐसी उलझनपूर्ण समस्याएं खड़ी हो जाती है जिनका समाधान तर्क वितर्क बुद्धि या युक्ति से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में समस्याग्रस्त व्यक्ति की स्थिति विमूढ़ जैसी हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति होने पर आपको एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, उसको करके आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको क्या करना है, लाल मूली चाहिए, बरगद के पेड़ का एक पत्ता चाहिए,
शनिवार की शाम को ये उपाय आपको करना है। बरगद के वृक्ष का एक साफ स्वच्छ पत्ता तोड़ लें, उस पत्ते पर रोली से अपनी समस्या लिख दें। इसके बाद जो कच्चा सूत या लाल धागा या कलावा जो भी आप कहते हैं उसको अपने सिर से पांव तक नाप लें और उस बरगद के पत्ते पर लपेट दें, उस मोली को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कितनी आसानी से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रयोग आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है प्रेत बाधा से। इसके अलावा भी अगर प्रेत बाधा से आप मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी एक टोटका बताती हूँ छोटा सा। शनिवार या मंगलवार के दिन शाम के समय जब प्रदोष काल हो, दोनों समय मिल रहे हों, तब आपको ये उपाय करना है। एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर लेना है, तांबे का पैसा और काले तिल रखकर उसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को प्रेत ग्रस्त रोगी या जिससे आपको संदेह है कि इस पे कोई बाहरी बाधा है उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी रेलवे लाइन अथवा सड़क के पार आपको फेंकना है। पीछे मुड़े बिना आपको लौट कर आ जाना है और ध्यान रहे जाते समय रास्ते में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। इस टोटके से प्रेत बाधा से मुक्ति की संभावना बनती है। तो दोस्तों, मौली के कितने सारे उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, कोई भी आप कर लीजिए और आप देखेंगे कि हमारे जो विभिन्न संस्कारों में कार्य आने वाली मौली, छोटी सी मौली जिसको हम किसी भी शुभ कार्य से पहले या हवन करते समय अपनी कलाई पर बांधते हैं, ये कितना संस्कारी रिवाज है, कितना खास रिवाज है। अगर आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अगर किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे 15 जून के बाद ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, माता रानी को मनाते रहिए। बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रियों की खटखटाहट होने लगी है दोस्तों, तो हम बात करेंगे अब गुप्त नवरात्रि की थोड़े दिनों में। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। जय माता दी।